कई दिनों से खिलौना बना हुआ था मैं, जहां भी बैठना हंस देना मुस्कुरा देना, जो कोई बात करे हां में हां मिला देना, सड़क पे चलते हुए बार बार रुक जाना, मिजाज पूछना, दो चार लफ्ज दोहराना। वही दुकानें, वही बिल्डिंगें, वही राहें, नाक आंखों के अंदर, न टांग टांगों में, न दिल ही दिल की जगह पर, न होठ होठों में। न जाने कब से हूं इस शहर में मुकीम, मगर न कोई चीखा न कोई रोया न शर्म आया। मैं आज लड़ लिया उससे, बड़ा मजा आया। 130 करोड़ का परिवार है हमारा, 130 करोड़ का। इसीलिए जब कभी हिंदुस्तान या हिंदुस्तानियत की बात आती है तो सब यही कहते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज है। मगर जब चुनाव आता है तो फिर ये 130 करोड़ का परिवार अचानक बिखर क्यों जाता है? 130 करोड़ हिंदुस्तानी उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब में क्यों बढ़ जाते हैं? 130 करोड़ हिंदुस्तानी धर्म इलाका जात पात भाषा के झगड़े में क्यों फंस जाते हैं? और 130 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान कैसे हो जाते हैं? क्या चुनाव में हिंदुओं को मुसलमान वोट नहीं चाहिए? और क्या मुसलमानों को हिंदुओं का साथ पसंद नहीं? सवाल करीब 20 करोड़ मुसलमान और उनकी सोच का है। उसी सोच का सच जानने के लिए भारत भर के मुसलमानों के मन को टटोलना जरूरी है, क्योंकि वो भी वोट ही तो हैं। दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अरे भाई क्या है, क्या है, क्यों दरवाजा पीटते हो, क्या बात है, क्या बात है? तो बदतमीजी गाली बकने शुरू। कोई भी व्यक्ति बीफ के मीट के खाए बिना मर रहा है तो पाकिस्तान चले जाइए, अरब चले जाइए, और जगह पे दुनिया के और कोनों में मिलता। ये पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है गुलाबी क्रांति। अफवाह उड़ा दी के हमारे तो गाय काटे, हमारे मेहमान कल मैयत में आए वो भी रुक गए। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है। जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है। ये जो गौ माता का नाम लिया गया तो जगह माता ये लोग मानने तो हमारी कोई दुश्मन तो है नहीं। कोई सड़क पे नमाज पढ़े तो किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन हम वहीं पे चालीसा पढ़ने लगे तो ये धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। ये सीधी सी बात है कि शाहजहां ने इसको बनवाया था और ये मकबरा है। गलत काम किया शाहजहां ने, तो शिव का मंदिर था, मुमताज को वहां दफना करके उसको कब्रिस्तान बना दिया। मंदिर बनाने वाला प्रधानमंत्री आकर मंदिर बनाए। मंदिर के लिए कार सेवा होगी ना, समय आने दीजिए। हमारा देश जो है अब तक मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान में फंसा हुआ है। जहाँ रामलला बैठे हैं वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो और पूरे देश में राम राज्य का निर्माण हो। अरे लॉर्डिनेंस लाके बताइए, चलिए 56 इंच की सारे सीना है तो लाइए, बताइए, चलिए लॉर्डिनेंस लाइए। तस्वीर को हटाना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना तो फूट के प्रतीक है, बंटवारे के प्रतीक है। Picture of Jinnah like picture of a few dozen people, which included Mother Teresa, it included Khan Abdul Ghaffar Khan, it included Jawaharlal Nehru. चुनाव से हम तो क्या करने का साहब, कोई जीते या कोई हारे हमको क्या करने का, हम तो नसीब लिखा के लाए। वोट देना है हमें और ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करे। मुसलमान वोटिंग के वक्त कंफ्यूज कर दिया जाता है उनको। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हिंदुस्तान में गुस्से की राजनीति की है। अल्लाह ज्यादा पसंद आ रहा लव जिहाद केरल को एक मुस्लिम स्टेट में बदलने की साजिश का हिस्सा है, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हिंदू अदालत लव जिहादियों को सजा भी देगी। जिहाद खत्म कर दो, बाकी ये हालत होगी तो मैं जिहादी। लेकिन मैं आपके सामने और देश के सामने भरोसा दिला सकता हूँ कि समाजवादी लोग कभी राजनीति नहीं करते इन बातों पर। मुझे बिना बताए मुझे 3 तलाक उन्होंने दे दिया, मेरे साथ उन्होंने मारपीट करी, तलाक दे के निकाल दे। मेरी मुसलमान बहन उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे
और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। वो पार्टी कहते मुसलमान हमारे साथ है, ये पार्टी कहती मुसलमान हमारे साथ है और मुसलमान को कंफ्यूज करने लगते। मुस्लिम समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। राजनेता जैसे नहीं आया, मैं एक युवा हूँ और मैं आपसे दोस्ती करने आया हूँ। आज कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गई है जिन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा करवाया। ना ही तो हम कांग्रेस के है, ना ही भाजपा के है, ना ही मुलायम के है, हम पीड़ित लोग है। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। ये तस्वीर याद है आपको? इसे एक तस्वीर की आंखों से झलकती जिंदगी की बेबस फरियाद ने इसे देश और दुनिया में गुजरात दंगे का चेहरा बना दिया था। पर 2002 का ये चेहरा आज 17 साल बाद कैसा दिखता है? इसकी आंखें आज क्या देखती हैं? उसकी जुबान आज क्या बोलती है और उसके मन में आज क्या है? तो चलिए, मुसलमानों के मन को टटोलने के लिए इससे बेहतर चेहरा भला और क्या होगा? ये 2002 का कुतुबुद्दीन अंसारी है और ये 2019 के कुतुबुद्दीन अंसारी अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ रहते हैं और देश से कुछ कहना चाहते हैं। जैसे हर व्यक्ति को पैसा ये जरूरी नहीं है, थोड़ी सी इसको इज्जत मिलनी चाहिए। दो भाई हैं, हिंदू मुस्लिम दो भाई की तरह रहते तो वो अपना बड़ा रोल प्ले कर रहे, तो हम भी छोटे होंगे, हमको भी ऐसा लगे कि वो हमको छोटा समझ रहा, अपना भाई समझ रहा, पर वो बड़ापन तो दिखावें, बड़ा बन के गले से तो लगावें, तो छोटा तो छोटा है ही। नरोड़ा पाटिया के अंदर बहन इतने लोग मारे गए, इतने सब कुछ, आज भी वो मुस्लिम जाके वहीं पर ही रह रहेंगे, तो इससे बड़ी नज़दीकी मुस्लिम की और क्या होगी? आज पूरी बस्ती वहां रह रही है फिर से जाके, तो एक उम्मीद पे रह रही है ना, एक भाईचारे पे रह रही है ना। हिंदुस्तान के दिल पर उभरती ये वो तस्वीरें जिनसे रूबरू होने के बाद, जिनको जरा और करीब से देखने के बाद, जिनकी आंखों में झांकने के बाद, जिनके मन की बात सुनने के बाद शायद वो सोच सामने आए जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। और इसी सोच को मन से बाहर निकालने के लिए हमने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंदुस्तान के मुसलमानों के मन की बात को टटोलने की कोशिश की। क्या मुस्लिम वोटर मजहब की मजबूरी, बेबसी, डर और दंगों को सामने रखकर वोट देता है? क्या उसके लिए डर से आगे जीत नहीं है? क्या सिर्फ उसकी नजर में गुजरात के ही दंगे रहते हैं? क्या मुजफ्फरनगर के दंगे और सिखों के खिलाफ हुए दंगे भी उसे तड़पाते हैं? क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में दिखाई देते उसके जख्मों पर किसी ने मरहम रखा है? क्या सांप्रदायिक सद्भाव की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम वोटर की ही रह गई है? क्या सांप्रदायिक शक्तियां सिर्फ मुस्लिम वोटों से ही हारती हैं? या इस देश की सेकुलर विचारधारा वाले हिंदू के बिना ये काम हो ही नहीं सकता है? अगर ऐसा है तो फिर हर बार चुनाव में मुस्लिम वोटरों और मुस्लिम वोट बैंक को सामने रखकर शतरंज की बिसात क्यों बिछाई जाती है? और क्या उसमें मुस्लिम वोटर चारे की तरह फंस जाते हैं? बातें बहुत सी हैं, दावे बहुत से हैं, लेकिन जमीनी हकीकतों में बहुत कुछ अभी दिखना बाकी है। क्योंकि सिर्फ हमको वोट बैंक ना समझे बल्कि साथ ही साथ हमारी तरक्की के लिए भी और हमारी नुमाइंदगियों पर भी नज़र रखें। हुकूमत ख़त्म होने लगती है, यानी 5 साल हो जाते हैं उस गवर्नमेंट के, तो मुसलमानों के हाथ वहीं के वहीं खाली के खाली रह जाते हैं। कुछ और मुद्दा इलेक्शन के टाइम पे नहीं मिलता
तो एक हिंदू मुस्लिम वाली बात मिलती है हमेशा, जब तक चुनाव है। अभी राम मंदिर मस्जिद का मुद्दा हर बार इलेक्शन में उठता है और उठता रहेगा। मतलब अभी तक ये नहीं है कि मंदिर की एक ईंट भी किसी ने लगा दी, मगर ये मुद्दा बराबर से चलता रहा। हुकूमत कभी जुल्म से नहीं चल सकती, अने हुकूमत को आप दूसरी एंगल से चला सकते हैं, लेकिन जुल्म करके आप हुकूमत नहीं चला सकते। जुल्म का मतलब क्या है? जुल्म का मतलब ये है कि जिसका जो हक है वो अदा किया जाए, माइनॉरिटी का जो हक है वो अदा कीजिए। मेजॉरिटी का जो हक है वो तो आप अदा कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी का जो हक है वो अदा नहीं हो रहा, सिर्फ वादे किए जाते हैं और इसी तरह हुकूमत खत्म हो जाती है। हमें तो हिंदुस्तान में रहना और हिंदुस्तान के लिए जान दे देंगे, जान ले लेंगे। हमारे लिए हिंदुस्तान सबसे अहम है, हमारे धर्म के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा जो चीज है वो हिंदुस्तान है। पूरी पब्लिक से झूठ बोला, पूरी हिंदुस्तान से झूठ बोला उन्हें। 15-15 लाख डालता हूँ बोल के लोग लालच में आगे डाले, क्या डाला है सो भी कमाया। 2-2 हजार के आते लाइन में ठहरना पड़ा, मुसलमान हिंदू क्या ला, क्या करा उन्हें, टुकड़े कर दिया और आगे इन्हें कर रहा उन्हें कर रहा, बोले अरे बेमान उन्हें खुद है। भारतीय राजनीति की तरह ही भारतीय चुनाव भी उलझे हुए हैं। यहाँ कब वोटर किस ओर मुड़ जाए कहना मुश्किल है। खासतौर पर मुस्लिम वोटर तो जज्बात की किश्ती में जब सवार होकर चुनावी दरिया को पार करना चाहता है तो उसके सामने पिछले 69 सालों के वादों की चट्टाने आकर खड़ी हो जाती है। इसके बावजूद जब वो इन चट्टानों से टकराने को तैयार हो जाता है तभी डर और दंगों के खौफ की सुनामी उसे ऐसा घेरती है कि वो अपना वोट किसी ऐसे उम्मीदवार की झोली में डाल आता है जिसे वो पसंद भी नहीं करता। जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है? सिर्फ इसीलिए और इस सोच की वजह से कि वो उम्मीदवार किसी ऐसे उम्मीदवार को हराने में कामयाब होने वाला लगता है जिसका डर उनके दिलो दिमाग में बैठा दिया गया है। मुसलमान के जो भटकने की वजह है, सबसे बड़ी वजह है उसकी जहालत, क्योंकि उसको कुछ मालूमात ही नहीं है। कुछ ऐसा हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ कि जिसने एक पूरी मुस्लिम सोच को चुनाव के वक्त की देश की सोच से अलग रखने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों के मतदाता भी ऐसा नहीं सोचते। जब उम्मीदवार का चयन तक वोटरों के धर्म क्षेत्र और जात पात को ध्यान में रखकर किया जाता हो तो ये बात तो साबित होती ही है कि दूसरे वोटर भी इसी तरह वोट देते हों। लेकिन ऐसा क्या है मुस्लिम वोटरों के मन में जो उसे आखिरकार अपने वोट को एक डर में समेट कर पेश कर देने के लिए मजबूर कर देता है? माजी की वो कौन सी साजिश है जो किसी तरह चैन से बैठने नहीं देती? तारीख का आखिर वो कौन सा बाजार है जहां नफरतों का जहर बिकता है? और जहर की वो कौन सी किस्म है जिसकी कीमत में जिंदगी तक पेश कर दी जाती है? ये सोचो कि तुम्हारी सोच में किस नुक्ते से खराबी पैदा हुई है और हलाकतों का ये सिलसिला कहां जाकर रुकता है। सोचो और समझो, तुम्हें अपनी जिंदगी के वार झेलने हैं, माजी का कर्ज नहीं चुकाना। इस डर को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक नजर देश भर के राज्यों पर डाल लेते हैं और देखते हैं कि किस राज्य में मुसलमानों की कितनी आबादी है। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार के दौरान हिंदुस्तान कुल 543 ऐसे लोगों को चुनता है जो देश का मुस्तकबिल तय करते हैं। अब इस चुनाव में मुस्लिम वोटरों की क्या अहमियत है ये जानने के लिए आंकड़ों के इस आईने को भी देख लीजिए। देश भर में कुल 35 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, यानी इन 35 सीटों का फैसला पूरी तरह से मुस्लिम वोटर ही करते हैं। 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 21-30% है, यानी यहां भी जीत हार की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में है। 145 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 11-20% है। 183 सीटें वो हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 5-10% है, जबकि 142 सीटें ऐसी हैं
जहां मुस्लिम आबादी 5% से कम है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 218 सीटें ऐसी हैं जहां कोई भी पार्टी मुस्लिम वोटरों को नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकती। तो फिर कुछ नेता ये क्यों कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, और मुस्लिम वोटर ये क्यों कि उन्हें हम वोट दे ही क्यों? क्या बीजेपी को मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, या फिर मुस्लिम मतदाता भी ये मान बैठे कि बीजेपी के लिए चुनावी बिसात में उनके वोट की कोई बिसात नहीं, या फिर बाकी पार्टियां मुस्लिम वोटरों को भटका रही हैं? ये जानने के लिए आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़ों पर निगाह डाल लेते हैं। 23 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 19% मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश की जिन 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है, वो सीटें हैं से झांकती धारणा यह है कि बिना मुस्लिम वोटों के कोई पार्टी जीत नहीं सकती, और सच्चाई यह है कि मुस्लिम वोटों की जरूरत को नकारने के बाद भी बीजेपी ने 2014 में 13 की 13 सीटें जीत ली। आखिरकार यह कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम रुख करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटों की तरफ, मुजफ्फरनगर और कैराना। यहाँ आपको वोटों के ध्रुवीकरण से उनका दम बढ़ने और वोटों के बिखरने से उनकी ताकत कम होने का अंदाजा भी हो जाएगा। ये वो 2 सीटें हैं जहाँ इस बार मुकाबला सख्त है, और साथ ही वहाँ गठबंधन को चुनावी कसौटी पर कसा भी जाएगा। इस बार बीजेपी के संजीव बालियान को टक्कर देंगे महागठबंधन के कद्दावर नेता और अध्यक्ष अजीत सिंह। 2014 में मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संजीव बालियान बीएसपी नेता कादिर राणा से 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते थे, तो वहीं कैराना में बीजेपी उम्मीदवार हुकुम सिंह ने समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया। मुजफ्फरनगर और कैराना दोनों ही सीटें बीजेपी की झोली में 15 साल बाद आई थी। एक अरसे के बाद बीजेपी की इन सीटों पर जीत के पीछे मुख्य वजह मानी गई मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वोटों के ध्रुवीकरण को। सिवाय 3 सीट के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद चुनाव में कोई जीता हो या कोई हारा हो, लेकिन इस सियासी जंग में इंसानियत जरूर हारी, जिसका अंदाजा घर बार छोड़कर इन कैंपों में रह रहे दंगा पीड़ितों के हालात से लगाया जा सकता है। या आज भी अपने घरों को वापस नहीं जा सके। ईमानदारी की बात यह है, एमपी साहब ने बढ़िया काम कराया हमारे, जिन्होंने विकास बहुत बढ़िया रहा संजीव बालियान जी का। अगर वो भी रहते तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, अगर वो भी मंत्री रहते, लेकिन भाजपा ने उन्हें मंत्री शिव से भी हटा दिया। उन्होंने इतना काम करा, इतना विकास करा, हमें यहाँ बहुत बड़ी खुशी हुई। लेकिन वो मंत्री रहते हम खुश थे जब भी उनके साथ थे, लेकिन भाजपा ने जिन्हें पार्टी ने बिल्कुल उन्हें भी हटा दिया, मंत्री भी हटा दिया उनका, उन्हें आप क्या विकास करते बेचारे। मुजफ्फरनगर में दंगे भड़के, उन दंगों में 62 जाने गए, 93 लोग घायल हुए और 50,000 से ज्यादा लोग दरबदर हो गए। सियासत ने सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को बिखेर कर रख दिया। हर सियासी दल ने हालात को अपने हिसाब से बुलाया, किसी ने मुस्लिम का शुभचिंतक बनकर तो किसी ने मुस्लिम वोट को बेअसर बनाने की कोशिश करके। मेरी छाती भटकाती है, ये सब तमाम जिंदगी का हमारा हमसेम का प्यार मोहब्बत जो भी था सब खत्म हो गया। 8-9-2013 को एक दंगा हुआ, जो इस दंगे वैसे यहाँ नए जगह आना बसना, कम से कम करीब लोग 5-5 का 10-10 साल पीछे चले गए। लोग जो प्यार थी मोहब्बत थी वो खत्म हो गए, और अब भी इतने प्रेशर में जी रहे,
कि आदमी जो है जीना बहुत मुश्किल हो रहा है सर नई जगह। सर शायद ये मैं आपको बता सकूं लेकिन आप फील नहीं कर सकते सर, ये जो सिस्टम है वो गली वो मोहल्ले वो आपस का प्यार मोहब्बत जो अपने आपस के लोग थे सब बिछड़ गए सर। तो क्या इस बार के चुनाव में मुजफ्फरनगर के कुल मतदाताओं में से 40% मुस्लिम मतदाताओं का वोट कुछ मायने रखेगा? इस बात को समझना है तो हमें रुख करना पड़ेगा कैराना का। कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का फरवरी 2018 में देहांत हो गया। कैराना में सूरत हाल उपचुनाव के बन गए। इसके बाद गठबंधन की वो इबारत लिखी गई कैराना में जो आज 2019 में एक बड़ी शक्ल ले चुकी है। 2018 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस ने मिलकर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार तबस्सुम हसन को मैदान में उतारा था। नतीजा ये रहा कि बीजेपी उम्मीदवार और हुकुम सिंह की बेटी मृगांगा सिंह को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार सोशल इंजीनियरिंग बदल चुकी थी। तो आप सर्वे कर लीजिए हमारे शहर का, हमारा शहर जो है लोहा इस्पात के लिए जाना जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज आप जाकर देख लो आजादी के बाद में सबसे बुरी चल रहे रोजगार के और व्यापार के। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर भाई है, ऐसी नहीं है कि जैसे के भाई आदमी भाई से भाई को लड़ाते, ये अच्छी बात नहीं, इसका आगे जाके माहौल खराब ही होगा, अच्छा नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से व्यापारियों के लिए शायद सबसे बुरा हो रहा है पिछले बार। वोटों के ध्रुवीकरण ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी नहीं बख्शा है। एएमयू में 75 साल से भी ज्यादा वक्त से मौजूद जिन्ना की तस्वीर और यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर विवाद पैदा किए गए। जो जिन्ना वाला एपिसोड था वो तो बिला वजह का दो कौमों को लड़ाने के लिए, और उस दौर में जब ये उठाया गया था उस वक्त एकाध स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे, उन इलेक्शन में दो कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए वो मुद्दा उठाया गया था। जिन्ना का इमेज कोई उस दिन नहीं लगा था, शुरू से लगा हुआ है, तकरीबन 70-80 साल से लगा हुआ है। जिन साहब ने इस मसले को उठाया था वो खुद उस हॉल के अंदर जाने कितनी बार जा चुके थे और देख चुके थे, कभी उनको नहीं नज़र आया। हमारी बेबसी देखो कि हम उन्हें हमदर्द कहते हैं जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, और मदीने तक में हमने मुल्क के खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ, इसको वतन का दर्द कहते हैं। यहाँ के पढ़े लिखे मुस्लिम मतदाता का यही मानना है कि वोट उसी उम्मीदवार को मिले जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सके। इशारा साफ है कि वोट उनको न दिया जाए जो समाज बांट कर वोट की फसल काटते हैं। वो पार्टी या वो शख्स जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करता है, जो आइडिया ऑफ इंडिया को सपोर्ट करेगा, मेरा वोट उस तरफ जाएगा। हिंदू मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें, एक भी आंख अगर खराब हो जाएगी तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। मैं ये समझती हूँ कि जमहूरियत जो होता है, इंग्लिश में एक और वर्ड होता है मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी होता है, इसमें एक थिन लाइन डिफरेंस होता है कि डेमोक्रेसी में जमहूरियत में अगर माइनॉरिटी भी हो तो उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलती है जितना माइनॉरिटी मेजॉरिटी को मिलता है। एएमयू को बेवजह घेरे जाने पर मुस्लिम मतदाताओं में नाराजगी है। खासतौर से ये नाराजगी और बढ़ जाती है जब आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिमों में साक्षरता दर महज 65% है जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74% है। उत्तर प्रदेश में ही है बाबरी मस्जिद। 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद 21वीं सदी की भारतीय राजनीति पर आज भी हावी है। बाबरी मस्जिद मुद्दे के दम पर 1989 में बीजेपी लोकसभा में 2 सीटों से 86 सीटों पर जा पहुंची, फिर 1991 में 119 सीटों तक पहुंची। तो बाबरी मस्जिद में शिलान्यास को लेकर मेरठ में हुए दंगे के बाद कांग्रेस कभी यूपी में सरकार बना ही नहीं पाई। 1991 में विवादित ढांचा गिराया गया और पूरा 90 का दशक बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द घूमने लगा। यही वो समय था जब देश आर्थिक उदारवाद की तरफ बढ़ रहा था और राजनीति हिंदू मुसलमान के बीच फासला बढ़ा रही थी। अरे ये खिलौना है साहब, ये कांग्रेस ने भी करी और बीजेपी भी कर रही, कांग्रेस ने लॉक मारी बीजेपी ने तोड़ डाला, ये सब खेल रहे हमारे साथ, हिंदू और मुसलमान का खेल है ये। बाबरी से लेकर दादरी तक उत्तर प्रदेश में सामाजिक सौहार्द को राजनीति ने बार बार चोट पहुंचाई। दादरी में सितंबर 2015 में
बीफ के नाम पर अखलाक को मार दिया गया। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से आम मुस्लिम किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहता है जो समाज में अमन चैन का पैरोकार बने और उनको एक सुरक्षा की भावना दे। पहले तो ज़्यादा इतने क्राइम्स नहीं होते थे, लेकिन इन 5 ईयर्स में ज़्यादा एज कम्पेयर टू पिछले 5 ईयर्स बैक ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं और वुमेन्स भी सेफ नहीं है। मैं चाह रही हूँ अब जो गवर्नमेंट बने उसमें वुमेन्स ज़्यादा सेफ रहे, मतलब सेफ्टी के लिए ज़्यादा, मतलब सेफ्टी के लिए ज़्यादा ध्यान दें। अगर आस्था की बात होती तो इस देश के अंदर बड़ी बड़ी बीफ फैक्ट्रियाँ भी हैं जो जिसमें मास्क का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जितने भी ये गोरक्षक होते हैं ये कभी भी वहाँ जाके कोई प्रदर्शन करते नहीं हैं, वहाँ पे जाकर कोई आवाज़ उठाते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही कहीं पर गाय के साथ मुसलमान का नाम जुड़ता है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में यहाँ की 16.9% मुस्लिम आबादी भी जूझ रही है आर्थिक तंगियों, बेरोजगारी और निरक्षरता से। साथ ही जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी से हाथ मिलाया, मुसलमानों के भी हाथ नीतीश कुमार के कंधे से हटते दिखने लगे। जहां सब्जा है उल्फत का, मोहब्बत का नजारा है, हर एक अहले वतन को जो सदा ही जान से प्यारा है, हमेशा यक जुबा होकर जिसे सबने पुकारा है, वो हिंदुस्तान हमारा है, वो हिंदुस्तान हमारा है। आम मुस्लिम बिहार के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का हिस्सा दिख रहा है। बिहार में 17% मुस्लिम तो 15% यादव वोटर है। बिहार में 13 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा 67% मुस्लिम वोटर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में, वहीं दूसरे नंबर पर 38% मुस्लिम मतदाता कटिहार में, अररिया में 32%। 2014 में मोदी लहर के बावजूद बिहार से 4 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत कर संसद पहुंचे। पश्चिम बंगाल में 30% मतदाता मुस्लिम है। कायदे से देखें तो यूपी के 80 सीटों के बाद पश्चिम बंगाल की 42 सीटें सबसे अहम हो जाती है। इस अहमियत को बीजेपी भी समझती है। यही वजह है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूरा जोर लगा रखा है। अगर ममता के गढ़ में बीजेपी कुछ हद तक भी सेंध मारने में कामयाब रहे तो दिल्ली और करीब हो जाएगी। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि पश्चिम बंगाल की 42 संसदीय सीटों पर 18 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट नतीजों पर असर डाल सकते हैं। पर पश्चिम बंगाल के मुसलमान दिल्ली को देख कर वोट देंगे या ममता को, ये बड़ा सवाल है। देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, कभी किसान आंदोलन पे उतरे, कभी छात्र आंदोलन पे उतरे, तो 100 तरीके का सारा मुद्दा लेके कभी स्टेट से सब लोग दिल्ली पहुंचे। लेकिन बंगाल में आप देख लीजिए, ना ही कभी कोई किसान आंदोलन किया, ना ही कभी कोई छात्र आंदोलन किया, ना ही कभी कोई रोजगार का मुद्दा उठा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, तीनों ही राज्यों में कांग्रेस लौटी है, मगर लोकसभा का चुनाव अलग है और इन तीन राज्यों से अच्छी खासी सीटें आती हैं। जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उनको बहुत बड़ा बहुमत मिला था, लेकिन उस बहुमत का इस्तेमाल वो देश की वास्तविक समस्याओं को हल करने में नहीं कर पाए हैं। वो आम आदमी से अगर पूछा जाए कि भाई आपका सांसद कौन है और उसने पिछले 5 साल में क्या किया, एक जनरल आदमी कुछ नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लोकल स्तर पे कोई प्रोग्रेस नहीं की, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई नए रोजगार नहीं आपने उपलब्ध कराए, नए कोई फ्लाईओवर नहीं बनाए। क्या करा आपने? आपने यहाँ का हबीबगंज स्टेशन भेज दिया और उसमें आदमी वहाँ जाके खड़ा हो रहा है तो 200 रुपये पार्किंग दे रहा है दिन भर की, जो 20 रुपये देता था। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें और करीब 12% मुसलमान, पर यहाँ के मुसलमान फिलहाल कांग्रेस और आप के करीब आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मुसलमानों का चुनावी मुद्दा थोड़ा हटकर है। ट्रेन में बैठते हैं, वहाँ पूछते हैं कौन हो, क्या हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, दाढ़ी वाले हैं, हमें इसलिए और परेशान करते। जब मोदी जी 2014 में आए थे तो ये लगा था कि कोई आदमी आया है कि जो कुछ करना चाहता है, एक आशा की किरण नजर आई थी, लेकिन पता चला वो तो जुमलेबाज आदमी था। 5 साल में मेरी उम्र जो है तकरीबन 20-25 साल और बढ़ गई, इतना परेशान हो चुका हूँ। जबरदस्त दिक्कत हुई है,
नोटबंदी में इतनी दिक्कत हुई, नोट थे नहीं, परेशान थे। जो भी प्रधानमंत्री आए वो अच्छे आए, बेहतर के लिए आए, यही चाहते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है, थोड़ा उसमें भी कम होना चाहिए। बच्चों के स्कूल की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हर चीज़ की। पर मैंने देखा है कि मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। मुस्लिम मेजॉरिटी को बहुत वैसी नज़र से देखते हैं, यहाँ पर एडमिशन देते नहीं है मुस्लिम मेजॉरिटी में ज़्यादातर। मुसलमानों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें एक ख़ास पोशाक, एक ख़ास तबके और एक ख़ास वोट बैंक तक महदूद कर दिया जाता है, जबकि हकीकत इससे कहीं अलग है। वो इन मस्जिदों से निकलकर सिर्फ मदरसों तक नहीं जाता, बल्कि वो यहाँ से निकलकर कॉलेजों में पढ़ाई करने भी जाता है, दफ्तरों में नौकरी करने भी जाता है और अपना अपना बिजनेस भी संभालता है। सौ बात की एक बात कि मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रखने वाला और टोपी पहनने वाला शख्स ही नहीं, बल्कि वो एक आम हिंदुस्तानी भी है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों के दो चेहरे, एक बाकी हिंदुस्तान का और एक दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत के मुसलमान की तस्वीर बिल्कुल उलट है। अगर आप उत्तर भारत के मुसलमानों को अफ्रीकी देश कहें तो दक्षिण भारत के मुसलमानों को विकसित यूरोपियन देश मान सकते हैं। दक्षिण भारत में हिंदुस्तान के कुल मुसलमानों की आबादी का सिर्फ 11% ही रहता है, मगर साक्षरता दर से लेकर रोजगार और यहाँ तक कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में दक्षिण भारत के मुसलमानों के आगे उत्तर भारत के मुसलमान कहीं नहीं टिकते। उत्तर और दक्षिण के दो बड़े राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की तुलना करें तो एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 48,250 रुपए है, तो वहीं कर्नाटक के मुसलमानों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,48,485 रुपए है। जबकि नया नया बना तेलंगाना राज्य मुसलमानों की खुशहाली के मामले में कर्नाटक से भी कहीं आगे है, जहां मुसलमानों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,58,350 रुपए है। शिक्षा की बात करें तो भी दक्षिण भारत उत्तर के मुसलमानों को आईना दिखा रहा है। देश के मुसलमानों की शिक्षा का प्रतिशत 64.64% है, तो वहीं कर्नाटक में मुस्लिम शिक्षा का प्रतिशत 76.89% है। मुसलमानों के शिक्षण संस्थानों के मामले में भी दक्षिण भारत कहीं आगे है। तो जो सरकारें रही हैं उन्होंने हमेशा से यूथ को टारगेट किया है, क्योंकि पढ़ा लिखा यूथ वो तबका है जो सवाल करता है, और इस तरह की सरकारें जो काम नहीं करना चाहती वो सवाल से बहुत बचती हैं, सवाल से घबराती हैं। आज का युवा सड़कों पे है और पूछ रहा है सरकार से कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो बात करी थी वो कहाँ है। हालांकि मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करें तो लोकसभा में दक्षिण भारत से सिर्फ 6 मुसलमान सांसद आते हैं, उनमें भी अकेले 3 सांसद सिर्फ केरल से आते हैं। ये तो बदबख्ती है मुसलमान की, इंडिया के अंदर कोई उसका नुमाइंदा नहीं है। पार्लियामेंट की और मुल्क की खूबसूरती यह है कि वहाँ चाहे वो संविधान सभा थी या आज की पार्लियामेंट है, अगर वहाँ सबका नुमाइंदगी नहीं है तो मुल्क जो है फिर हिंदुस्तान नहीं बन सकता, हिंदुस्तान ऐसे नहीं बनता। आबादी के लिहाज से मुल्क के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो 11.25 करोड़ की आबादी में कुल 11.5% मुसलमान बसते हैं, यानी करीब 1,30,00,000 मुसलमान देश के इस पश्चिमी राज्य से आते हैं, मगर इनका एक भी नुमाइंदा संसद में इनका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विधानसभा में भी इतने बड़े राज्य में सिर्फ 11 विधायक हैं, जहाँ कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि हैरतअंगेज तरीके से साक्षरता दर के मामले में महाराष्ट्र के मुसलमान 89.8% हिंदू आबादी को भी पछाड़ चुके हैं। मुसलमानों की साक्षरता दर यहाँ 83.6%, वहीं हिंदुओं की लिटरेसी रेट 81.8% है। पश्चिम के मुसलमानों के बारे में कहा जा सकता है कि वो उत्तर के मुसलमानों से बेहतर और दक्षिण के मुसलमानों से जरा सा कमतर नजर आते हैं। किसी ने पूछा ही नहीं 70 साल में कि हमारा मुद्दा क्या है, कि हम क्या करना चाहते हैं। हमसे किसी ने पूछा नहीं तुमने खाए क्या, पिए कि नहीं, कि क्या करे, किसी ने नहीं पूछा हमसे। सिर्फ इतना पूछे वोट का टाइम आ गया कि चक्रा मारना शुरू कर दिए, गलियों में घूमना शुरू कर दिए, कोई दलित के वहाँ बैठ के खाना खा ले रहा है, कोई मुसलमान के पास पानी पी ले रहा, वरना कोई नहीं पीता ना कोई आता। ये बदनाम करके रखे हमारे, अरे हमको खाने को सीधा नहीं, हमारे बच्चों को शिक्षण सीधा नहीं है, क्या औरतें क्या छाती पे बैठेंगी हम 3-3, 4-4 करके। कुल मिलाकर ये वो चुनाव है जिस बिहार पार्टी को लगता है कि देश का मुस्लिम इस बार कुछ अलग करेगा। आस्था और अकीदत के नाम पर दंगे का डर दिखाकर या दंगा न होने देने की गारंटी देकर
या फिर इस्लाम खतरे में है का नारा देकर आखिर कब तक मुसलमानों के वोट बटोरे जाएंगे? क्या इस बार भी भगवान और अल्लाह के नाम पर वोटों का बंटवारा होगा? क्या इस बार भी दंगों का डर वोटों का सौदा करवाएगा? दिल कहता है कम से कम इस बार ऐसा नहीं होगा, पर दिमाग कहता है कि ये सियासत है प्यारे, वो सियासत जिसकी कामयाबी और नाकामी का पैमाना है वोट, क्योंकि वोट ही तो है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।